हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वेज किचन इजी कुकिंग लाइफ में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स का चीला, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। उसके लिए हम यहाँ ले रहे हैं थोड़े से टमाटर, थोड़े से शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। हमने यहाँ एक कटोरी ओट्स लिया है, तो अब हम इसे डाल देते हैं और अपने सारे वेजेस को भी इसमें ऐड कर देंगे। मुझे प्लेन ओट्स खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और ये मैंने मंगाया था तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ जिसके कारण वो काफ़ी टेस्टी भी बन जाए और खाने में भी मज़ा आ जाए। तो इसलिए मैंने ये ओट्स का चीला ट्राई किया और ये अमेजिंग बनकर आया है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी एक छोटे चम्मच से, और थोड़ा सा और हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि इसका रंग बहुत ही अच्छा निखर कर आएगा। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं नमक, स्वादानुसार नमक आप डाल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप चाहे तो इसमें नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफ़र करती हूँ मैगी मसाला डालना, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ऑसम हो जाता है। तो अब हम इसमें पानी डाल के इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब हमने इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें इतना ही थिकनेस रखना है क्योंकि जब हम इसे सोक करने के लिए देंगे तो ये इसमें फूल जाएगी। अब हम इसमें एक चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन से क्या होगा कि ये अच्छे से इसे बाइंड कर देगा, तो ये डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे स्किप मत कीजिएगा। इससे आपका जो कलर है ना बहुत ही ज़्यादा निखर कर आएगा, तो इसे डाल दीजिएगा बनाते टाइम, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये कैसी लगी खाने में, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो ख़रीद तो लिए हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि दूध के साथ सिंपल में खाया नहीं जाता है लाइक मी। तो मैं इस तरह से ट्राई की, आप भी कर सकते हो। चलिए, तो अभी से 10 मिनट के लिए हम फूलने दे देते हैं, और ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं एक्चुअली। तो अभी इस तरीके से लग रहे हैं, इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी नज़दीक से। हाँ, इस तरीके से लग रही है। तो अब हमें ऐसे ही थिकनेस चाहिए, तो चलिए फटाफट अभी से बना लेते हैं। हमने तवा चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, अब हम इसमें हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं हम अपने जो बैटर बनाए थे, और इसे हल्के हाथों से फैलाएंगे। मैंने यहाँ पे ज़ोर से फैला दिया था इसलिए इस तरीके से हो गया है। आप इसे हल्के हाथों से फैलाइएगा ताकि ये बहुत ही अच्छे शेप में बनकर आए आपके लिए। मेरा तवा जो था पहले से गर्म था, तो इसमें मैंने फ्लेम को लो रखा है ताकि ये धीरे धीरे पके, उसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। यहाँ पर एक टिप्स है, अगर आप इस तरह की चीज़ों को क्रिस्प करना चाहते हैं तो आप इसे लो फ्लेम पर ही रखें, क्योंकि वो धीरे धीरे क्रिस्प हो जाएंगे और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आप नए तवे पर इसे डायरेक्टली बना रहे हैं तो ये जो बैटर है उस तवे के ऊपर चिपक जाएगा। मेरे इस तवे पे हमेशा पराठे बनते रहते हैं, तो ये ऑलरेडी ग्रीस की हुई रहती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं इसमें। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें, अदरवाइज़ आप इसे नॉन स्टिक तवे पर बना लीजिए। आप देख रहे हैं जैसे कि ये किनारे से अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसे फ्लिप करेंगे। मेरी तवे ने किनारों को अच्छे से छोड़ दिया था, तो अब हम इसे फ्लिप कर दिए हैं। देखिए, इस साइड से बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है, तो अब हम इसे दूसरे साइड से भी पका लेते हैं। अगर आपको थोड़ा और क्रिस्पी करना है इसे, तो थोड़ा लाल होने के लिए वेट कर लें।
तो चलिए अब दूसरे साइड से भी देख लेते हैं कि ये पक ही है कि नहीं। तो अब हम इसे फिर से फ्लिप कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पक चुकी है, और मैंने पहले साइड को भी थोड़ा सा लाल करने के लिए उसे और अच्छे से पका लिया ताकि ये थोड़ी क्रिस्प और ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो अब हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। निकालते वक्त हमारी ये जो चीला है वो थोड़ा सा टूट गया, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे पके हैं। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो मैं इसे अच्छे से नहीं पकड़ पा रही हूँ, तो थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं। ये जो ओट्स का चीला है ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है, तो आप सोच सकते हैं कितनी मज़ेदार लगेगी खाने में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो आसानी से देख सकें। तो चलिए अब ये हल्का ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं, कि अंदर से भी पूरी तरह से पक चुके हैं और बहुत अच्छे बने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के